रामाप्पा टेंपल तेलंगाना में मौजूद एक बहुत ही फेमस टेंपल है, और इस टेंपल के बारे में ऐसी कई अमेजिंग सी बातें हैं जो कि आपका दिमाग हिला के रख देगी। रामाप्पा टेंपल को ऐसे डिजाइन किया गया है मानो इंजीनियर्स को पता हो कि यहाँ क्या होने वाला है। अर्थक्वेक प्रूफ से लेके सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये टेंपल 800 साल पुरानी है और उस समय के इंजीनियर्स को पता था कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है कि अगर 8.2 रिक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक आ जाए, जो कि आया भी था 17th सेंचुरी में, और आसपास का सब कुछ तबाह हो गया था, बट इस टेंपल को कुछ नहीं हुआ। क्या थी वो इंजीनियरिंग, क्या था वो टेक्नोलॉजी, क्या थी वो मैजिक? असल में रामाप्पा टेंपल को अगर हम लोग एनालाइज करें तो नीचे वाला हिस्सा सैंडस्टोन है और ऊपर वाला हिस्सा ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट यानी AAC से बना है, जो कि एक सॉफ्ट मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। मॉडर्न टाइम के बिल्डिंग्स अगर पूरा रिजिड बना दिया जाए तो अर्थक्वेक के समय वो कम लचीला और बहुत कठोर होने के चलते बिल्डिंग्स ब्रेक हो जाते हैं, और इसलिए टॉप पार्ट में AAC डाला जाता है ताकि वो लचीला रहे। एंड बिल्कुल इसी तरह आज से 800 साल पहले रामाप्पा टेंपल में टॉप पार्ट पे ये पतले हिस्से पे जो कि प्रोन टू अर्थक्वेक है, इसमें AAC का इस्तेमाल किया गया था। लाइट वेट ब्रिक भी कहते हैं इसे। इंजीनियर्स हर कुछ से प्रिपेयर्ड थे। पिरामिड्स इस पूरे टॉपिक का सबसे मेन एलिमेंट है। पिरामिड एक नेचुरल AC है जिसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है बिना बिजली के। उसका जो ढांचा है वो इस तरह बनाया गया है कि उसके अंदर हमेशा कांस्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस होता है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो या कितना भी ठंडा हो, एंड इसका जो रेशियो है हाइट टू बेस वो क्लोज टू गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो, आखिर इतने सालों पहले इन लोगों को गोल्डन रेशियो के बारे में कैसे पता चला? एंड इन सब चीजों को देख के हमें यही पता चलता है कि आजकल के मॉडर्न टाइम में जो जो इन्वेंशंस हुई है वो पहले के जमाने में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था। या तो वो एडवांस्ड सिविलाइजेशन किसी नेचुरल डिजास्टर से पूरी तरह से तबाह हो गई, या फिर मे बी कोई और रीजन जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। बट जो इस धरती पे सबूत मौजूद हैं उन्हें देख के तो यही लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये रियली में कैसे हो सकती है, आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। कई एंशंट टेम्पल्स में तो कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे मिट्टी और केमिकल्स के कॉम्बिनेशन को जो आज तक डिकोड नहीं हो पाई है, एंड मे बी वो आगे जाके साइंस डिस्कवर करे। पुराने एंशंट कार्विंग्स में ऐसे कई गैजेट्स दिखने मिलते हैं हमें जो कि अभी तक साइंटिस्ट शायद इन्वेंट नहीं किए हैं, बट जैसे जैसे इन्वेंट होता है वैसे वैसे हम उन पुराने कार्विंग्स से रिलेट कर पाते हैं। हमारे एंशियंट वर्ल्ड जैसा कि 90% लोग सोचते हैं सिंपल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो कि उन्हीं के साथ खत्म हो गया जब वो खत्म हो गए। और आज के दुनिया में एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह गए। Yeah, so again, no. Got a winger to begin at Buzz Lightyear. You gonna dance with the devil for the night, yeah. Take a light risk, or you too scared? A couple bottles can't do what we need. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and to impress.
oppress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. Up on the throne now, we are boss chairs. Y'all seen stress too long, now you don't care. Don't dread shit, just dread hair. There is no walking away.